नाम है सौरव और आप देख रहे हैं फ्लाइंग न्यूट्री। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फैट। पिछली जो मेरी प्रीवियस वीडियोस थी वो थी अबाउट इंट्रो और एक थी इंट्रो की सीक्वल। ये जो आज हमारा टॉपिक है ये है फैट के ऊपर। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा कि फैट क्या होता है, कैसे लेते हैं और इसे कितना लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फैट में गाइज हमें समझना पड़ेगा कि फैट जब भी हमारे दिमाग में वर्ड स्ट्राइक करता है तो लोगों के दिमाग में आता है ओबेसिटी, मोटापा, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं फैट का नाम सुनते ही। पर गाइज फैट बहुत ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए। बेशक अगर इसे कम लिया जाए तो हमारी बॉडी के ग्रोथ में, मेंटल डेवलपमेंट में, फिजिकल डेवलपमेंट में फैट का बहुत बड़ा रोल होता है। गाइज मेनली फैट अगर कम लिया जाए तो कोई भी चीज़ गाइज अगर कम ली जाए तो उसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे दिख जाते हैं। अगर ज़्यादा लिया जाए तो फिर हर चीज़ ज़्यादा में नुकसान ही कर देती है। अब गाइज हम लोग बात करते हैं फैट के ऊपर कि फैट से गाइज होता क्या है कि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। और ये एक रिसर्च में भी मैंने पढ़ा है कि 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्ब्स इज इक्वल टू आपके 4 कैलोरीज के बराबर होते हैं, 4 कैलोरीज के बराबर होते हैं। और आपके 1 ग्राम फैट टोटल 9 कैलोरीज आपको दे सकती है। यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो फैट आपको बहुत अच्छे मात्रा में कैलोरीज प्रोवाइड करा सकती है। कैलोरीज की ज़रूरत हमारे शरीर को एनर्जी के लिए होती है और भी बहुत चीज़ों के लिए होती है। वो मैं आपको फर्दर फिर कभी एक और वीडियो बना के बता दूंगा कि कैलोरीज क्या होती हैं और वो कैसे काम करती हैं। गाइज अब हम लोग बात कर लेते हैं फैट के ऊपर। फैट मेनली गाइज जैसे कि प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स होते हैं, वैसे ही फैट में एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे हार्ट को, हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे से काम करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। हमें हेल्प करते हैं ये एसेंशियल फैटी एसिड्स हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए, हमारे और भी फंक्शंस के लिए एसेंशियल फैटी एसिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये एसेंशियल फैटी एसिड गाइज हमारी बॉडी बना नहीं पाती तो इसलिए इसे हम बाहर से लेते हैं। तो एक गाइज फैटी एसिड है ओमेगा 3, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके बारे में मैं आपको फिर कभी एक वीडियो बना के पर्टिकुलरली इस ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि ओमेगा 3 क्या है, कैसे काम करता है और इसके बेनिफिट क्या हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गाइस हमारे बॉडी के लिए ओमेगा 3, और मैं इसके बारे में फिर कभी आपको बताऊंगा एक अच्छी वीडियो बना के इसके ऊपर। तो अब हम लोग टॉपिक पर बात कर लेते हैं गाइस। फैट मेनली 3 तरह के होते हैं। पहला होता है गाइस सैचुरेटेड फैट, दूसरा होता है ट्रांस और हाइड्रोजिनेटेड फैट, और तीसरा होता है गाइज आपका अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट गाइज हमें ये जो है ये सैचुरेटेड फैट हमें एनिमल सोर्सेस से मिलते हैं, जैसे कि मीट से मिलता है, एग से मिलता है और आपका डेयरी प्रोडक्ट से मिल जाता है। सैचुरेटेड फैट ये करता क्या है गाइज, हमारे आर्टरीज के वॉल पे जाके ये चिपक जाता है और फिर धीरे धीरे उस आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, जिससे फिर बाद में कार्डियक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और फिर ये क्या होता है कि जैसे कि ब्लॉक कर देता है ना, तो फिर हमारा हार्ट जो है वो ऑक्सीजन से भरपूर वाला ब्लड पूरी बॉडी में पंप नहीं कर पाता। और भी फर्दर इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं गाइस सैचुरेटेड फैट के। दूसरा होता है ट्रांस और हाइड्रोजिनेटेड फैट। ट्रांस फैट में क्या होता है गाइस, ये आपका मेनली नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। ट्रांस फैट मेनली गाइस वेजिटेबल फैट होता है, ये जैसे कि आप मार्केट में समोसे खाते हैं, ब्रेड पकौड़े खाते हैं, टिक्की खाते हैं, उन सभी चीज़ों में ट्रांस फैट होता है। और जो रैपर प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि चिप्स हो गए और भी कुरकुरे वगैरह हो गए, उनमें भी ट्रांस फैट होता है। ये ट्रांसफैट क्या करता है, ये ट्रांसफैट हमारी बॉडी के गुड कोलेस्ट्रॉल को घटा देता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, और जो कि डेफिनेटली हमारी
हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियोस बनाऊंगा गाइस, आपको उसमें अच्छे से बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और वो कैसे काम करता है। अभी तो फिलहाल ये समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि ट्रांस फैट लेने से हमें बचना चाहिए। तीसरा आता है गाइस अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट दो टाइप के होते हैं, पहला होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट, दूसरा होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट। मेनली हमें फैट की रिक्वायरमेंट होती है, फैट की ज़रूरत हम सबको पड़ती है फॉर जॉइंट, अच्छे जॉइंट के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए, हर चीज़ के लिए फैट की रिक्वायरमेंट होती है। और फैट अगर हम लोग अनसैचुरेटेड वाला लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अनसैचुरेटेड फैट हमारे फैट्स के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देता है। और गाइज मेनली हमें बचना चाहिए ट्रांस फैट से और सैचुरेटेड फैट से, और क्योंकि ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट काफ़ी इन फैट से बना कोई अगर प्रोडक्ट हम लेते हैं तो काफ़ी टेस्टी तो होता ही है, लेकिन वो सेहत के लिए डेफिनेटली नुकसान पहुंचाता है। और कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, प्रोडक्ट भी हैं जिसमें आपको सैचुरेटेड फैट मिल जाता है थोड़ा बहुत मात्रा में। कोई भी चीज़ गाइस थोड़ा बहुत अगर लेंगे तो वो उतना अफेक्ट नहीं करता, उसके फ़ायदे ही मिलते हैं, नुकसान वो उतना नहीं करता अगर वो चीज़ थोड़ी सी ली जाए तो। जैसे कि ओट्स, ओट्स में आपका 9% फैट होता है, और ये 9% फैट में आपका सैचुरेटेड भी होता है और अनसैचुरेटेड भी होता है। अनसैचुरेटेड में मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड आपका होता है। तो ये ऐसे जैसे ओट्स हो गया, वैसे और भी प्रोडक्ट्स हो गए, उनमें क्या होता है गाइस कि हमें अनसैचुरेटेड फैट मिल जाता है और ये थोड़ा बहुत गाइस हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल भी होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो के अलावा आने वाली और भी वीडियोज़ में अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आप कुछ चेंजेस चाहते हैं तो वो क्या होने चाहिए आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कॉमेंट में। और इस वीडियो को अगेन गाइज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका दिन अच्छे से बीते। थैंक यू।